हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेक्टल कैंसर की ओर पर। मैं हूँ वसीम खान। मुझे रेक्टल कैंसर हो चुका है, मैं अपना इलाज करा चुका हूँ और माशाल्लाह से मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद मेरा लेटरिन का रास्ता अलग से बना दिया गया था। ये बैक लगा हुआ है मेरे लेटरिन यहीं से पास होती है। तो मुझे कमेंट आया था किसी का, वो पूछ रही थी मुझसे कि ये कितने टाइम के लिए लगता है। तो मैं आपको बता दूं मैम, ये जो होता है डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि ये आपको टेम्परेरी लगेगा या परमानेंट लगेगा। टेम्परेरी केस के अंदर ये होता है कि 3 महीने के लिए भी लगता है, 6 महीने के लिए भी लगता है, 9 महीने के लिए भी लगता है। होता यह है कि ये आपको बैग लगा दिया जाता है और जो आपका ऑपरेशन होता है वो ज़ख़म जब तक भरता नहीं है, जब तक आपका ये बैग हटता नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये बैग परमानेंट होता है और कभी नहीं हटता है, परमानेंट लगा रहता है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, आप देख लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे अपना नंबर शेयर कर लूँगा और आपसे बात कर लूँगा, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ जो एक्सपीरियंस मुझे है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।